जब हम इंडिया से यानी अपने मुल्क से बाहर होते हैं तो उस वक्त हम अपने मुल्क के खाने तलाश कर रहे होते हैं, हम देख रहे होते हैं कि कहाँ इंडियन रेस्टोरेंट्स हमें मिलेंगे। लेकिन इसके बरक्स जब हम अपने ही देश में होते हैं तो हमारी ये तलाश चेंज हो जाती है। उस वक्त हम अपने खाने नहीं, दूसरे मुल्कों के खाने तलाश कर रहे होते हैं। हम ये देख रहे होते हैं कि कहाँ अच्छा चाइनीज़ मिलेगा, कहाँ अच्छा मैक्सिकन मिलेगा या कहाँ अच्छा अरेबियन फूड मिलेगा। तो जब हम बाहर होंगे तो आपको इंडियन रेस्टोरेंट दिखा देंगे। फ़िलहाल हम इंडिया में दिल्ली में है तो हम आपको ये बताएंगे कि कहाँ आपको अच्छा अफ़गानी फूड मिल सकता है। मैं इस वक्त लाजपत नगर में हूँ, एक लेन है जहाँ पर अफ़गानी रेस्टोरेंट्स भी हैं और फाइन डाइन भी है और स्ट्रीट फूड भी है। फ़िलहाल आज हम फाइन डाइन की तरफ चलेंगे। अफ़गान दरबार रेस्टोरेंट काफ़ी मशहूर है, अच्छा खाना होता है। तो बग़ैर ज़्यादा बात किए आइए इसके अंदर चलते हैं, इनका किचन देखेंगे, थोड़े बहुत खाने देखेंगे और उसके बाद ट्राई भी करेंगे और उसके बाद आप तक अल्फाज की शक्ल में वो जायका पहुंचाने की कोशिश भी करेंगे। तो इस सारे प्रोसीजर में आप साथ रहिएगा। तो हम इस वक्त अफ़गान दरबार रेस्टोरेंट के किचन में आ चुके हैं क्योंकि किचन की एक विज़िट हमारी ज़रूर होती है। यहाँ पर इनके मुख्तलिफ खाने तैयार हुए हैं। तो मेरे साथ हैं यहाँ समीर। समीर यहाँ का बहुत पुराना स्टाफ है, मैं इनको बहुत पहले से यहाँ देखता हूँ। आज कैमरा के साथ हम यहाँ पहुँचे हैं। समीर मुझे बताओ क्या क्या आइटम है ये? अफगानी सूप है। किस चीज़ का होता है ये? सूप होता है, कॉर्नफ्लोर होता है। अच्छा अच्छा, अंडा होता है, हाँ मिक्स होता है, अंडा भी होता है, अंडा भी इसके होता है। अफगानी दाल है। ये कौन सी होती है? दाल, चने की दाल। हाँ चने की दाल होता है। और ये अफगानी राजमा है, राजमा होता है। और इधर और ये भी मटन कौरमा होता है, मटन कौरमा होता है अफगानी। सब चीजें ताजी नजर आ रही है। ये चिकन होता है, मटन कौरमा, चिकन कौरमा कौरमा होता है। और ये आई बांजान है, बैंगन, बैंगन होता है। अच्छा बैंगन, हाँ यार इनके बैंगन की सब्जी किसी भी खाने के अलावा मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। बड़ी हल्की मिर्चों की, बड़े खूबसूरत मसालों की होती है। आज वो जरूर ट्राई करेंगे। और उसके बाद ये है तुम्हारा अफगानी बिरयानी, उज़्बेक पुलाव है, उज़्बेक पुलाव होता है। ये उज़्बेक, ये उज़्बेक है। ये यखनी मुर्ग होता है बिना ऑयल, चिकन का होता है, इसमें आलू होता है, चिकन होता है बिना ऑयल का है। ओके हाँ जी, पुलाव हो गया। हाँ ये मटन है, हाँ ये मटन, हाँ पुलाव का मटन है। तो ये सारी चीजें रेडी रहती हैं। अच्छा सुबह किस टाइम खोलते हो आप? 11:30 सुबह 11:30 बजे खुल जाता है। खुल जाता है। ओके, रात को फिर 10-11 बजे तक? नहीं 12 बजे तक होता है। 12 बजे तक। मैं काफी अरसे से यहाँ आता हूँ, यहाँ का खाना मुझे बहुत पसंद है। जैसे मैंने बताया कैमरा आ जाए, अस्सलाम वालेकुम, कैमरा हमारा आ जाया है। यहाँ सारा स्टाफ बड़ा आपको खुशमिजाज मिलेगा, हंसते हंसते चेहरे, हंसते हंसते ये लोग काम करते हैं, बड़ी तेज़ी से काम करते हैं। हाँ लेकिन अगर आपने इनका बारबेक्यू ऑर्डर किया उसमें थोड़ा सा आपको सबर करना पड़ेगा, वो टाइम लेता है, एंड बनता है। तो यहाँ तो सारी ग्रेवी की और मेन कोर्स की आइटम्स हैं, इनका जो बारबेक्यू सेक्शन है वो पीछे है। ये है चिकन टिक्का है, अफगानी चिकन टिक्का, चिकन टिक्का। ये मटन टिक्का है और ये फिश टिक्का है। और इसके बाद हमारा तंदूरी होता है, ये स्पेशल होता है, इसका नाम है अल्फाम, अरब में बोलता है अल्फाम, वो स्पेशल होता है। चोपान कबाब क्या होता है? ये चोपान कबाब होता है, हड्डी वाला होता है, वो स्पेशल होता है। ये मटन चोपान है, सही क्वेश्चन है। ओके अच्छा, हड्डी के साथ होता है? हाँ ये हड्डी के साथ होता है, ये स्पेशल मटन चोपान होता है। तो ये है इनके यहाँ का बारबेक्यू सेटअप, तंदूरी भी है, फिश टिक्का, अफगानी टिक्का, मटन चौपान, मटन चौपान, चौपान कबाब के अंदर तब्दीली बस यही है कि वो विद बोन होता है और उसको कुछ अलग तरीके से ये लोग सेकते हैं, मसालों का फर्क है। मैन्युफैक्चरर्स को अपने प्रोडक्ट की हर खूबी और हर खामी मालूम होती है, तो वो रब जिसने इंसान को बनाया है ये जानता है कि इंसान को नई नई डिशेज की हर वक्त चाहत रहती है। तो उसने कुछ ऐसा निज़ाम बनाया कि अगर एक इंडिया में रहने वाला शख्स चिकन रोस्ट करता है तो अलग मज़ा होता है, और यही चिकन अगर कोई अरबी या अफगानी रोस्ट करे तो जायका अलग होता है। ये नए नए और मज़े मज़े के जायके भी इंसान के लिए एक नेमत हैं। अफगान दरबार के ओनर मसरूफ आदमी हैं, बमुश्किल वक्त मिला है, आइए इनसे मुलाकात करते हैं
और फिर यहाँ के खाने चखते हैं। मेंटेन करना बनता है। एक अगर पिछले 12 साल से, ये ऑलमोस्ट 14 इयर्स हो गए, ये स्टार्ट किया था माय एल्डर ब्रदर, उन्होंने स्टार्ट किया था एज ए पार्ट टाइम बिजनेस। बेसिकली हम लोग है अफगानिस्तान से, प्योरली फ्रॉम अफगानिस्तान, मदर फादर बोथ अफगानिस्तान में काबुल से है, फादर साइड वी आर फ्रॉम काबुल, सेंटर ऑफ काबुल बागली मर्दान, एंड फ्रॉम माई मदर साइड से मजार शरीफ। मजार शरीफ इज ए प्लेस इन नॉर्दर्न अफगानिस्तान विच इज बेसिकली फेमस फॉर फूड। एंटायर मजार शरीफ हैज ए नेम, वहाँ पर मतलब पूरे रीजन में, इनफैक्ट बेल्ट में, ईरान, आप ईरान को भी आप इंक्लूड कर लीजिए। अच्छा, आपके लहजे से, आपके एक्सेंट से ये नहीं लगता कि आप अफगानी हैं, ऐसा लगता कि आप इंडियन ही हैं। हाँ, ब्रॉट अप यहाँ पर है लगभग मोर देन अराउंड 30 इयर्स। इसका मतलब आपकी स्कूलिंग में यही हुई? स्कूलिंग भी यही। स्कूलिंग ही किसी पर्सनैलिटी को डेवलप करती है एक्चुअली, मेरा ऐसा मानना है। That's for sure, that's for sure. 12-14 साल से ये रेस्टोरेंट है? हाँ जी, of course, challenges तो कुछ हमें बताइए। अब कहाँ से स्टार्ट करें? फॉर एग्जाम्पल जो इंग्रेडिएंट्स है, मसाला जो है, कुछ कुछ मसाले हमारे अफगानिस्तान से ही आते हैं, क्योंकि उस टेस्ट को मेंटेन रखने के लिए वहाँ से ही आते हैं। तो हम लोग बेसिकली पूरा एक साल का स्टॉक हम लोग इम्पोर्ट कराते हैं, जो मसाला का रीजन्स हैं। और अभी सडनली शॉर्ट पड़ गए हम लोग, और अभी तो वो सिचुएशन आपको पता है अफगानिस्तान में क्या हो रहा है, तो थोड़ा बहुत है, पर फिर भी वी आर ट्राइंग टू डील सम वे सम हाउ। जो लड़के हैं, जो शेफ हैं, वो भी वहीं से हैं? वो भी अफगानिस्तान से। अरे तो मैंने एक बात देखी है आपके खानों में, आपने ना उसको बिल्कुल भी इंडियनाइज करने की कोशिश नहीं करी। नहीं, आपने उसको वहीं रखा है, फीका है तो फीका खिलाया है जी, मीठा है तो मीठा ही खिलाया है, चाहे वो ग्रेवी है। बिल्कुल, ये मुझे आपकी बात अच्छी लगती है। लोग आमतौर पर क्या करते हैं कि उसको सेल जनरेट करने के लिए थोड़ा बहुत यहाँ का उसमें एलिमेंट डाल देते हैं, तो ऑथेंटिसिटी स्पॉइल हो जाती है मेरे ख्याल। हाँ, जैसे कि ये मुझे चीज़ बहुत सारे यहाँ पर आपको हमारे इर्द गिर्द में रेस्टोरेंट्स मिलेंगे जिन्होंने ऐसा किया हुआ है, पर हम लोगों का ये बिलीव नहीं है। बातचीत काफ़ी कर ली, मैं आपका वक्त ज़्यादा नहीं लूँगा। जी ये बताइए कि हमें क्या रिव्यू करना चाहिए? मैं तो पर्सनली बहुत कुछ खाता हूँ यहाँ। मैं क्या रिकमेंड करूँगा, राइस फैंस है जिनको राइस बहुत पसंद है, स्पेशली यार कश्मीरी पीपल फ्रॉम बिहार, ये लोग राइस बात बहुत खाते हैं, मतलब है। तो इनके लिए काबुली कॉलिंग इट भात, तो उनके लिए राइस में काबुली उज़्बेकी फॉर अ चेंज, कि अगर उन्हें थोड़ा हट के अपने जो टिपिकल जो टेस्ट जो चलता हुआ आ रहा है उससे अलग हट के कुछ टेस्टी खाना है, तो काबुली उज़्बेकी जाए। और स्टार्टर्स में जैसे हमारा जो पंच है चौपान कबाब, मटन रिब से बनता है और सीख के साथ ही सर्व करते हैं, वो आई वुड सजेस्ट फॉर श्योर, मस्ट ट्राई ये दोनों। ऑर्डर कर देते हैं अपना, एक तो चौपान कबाब, एक उज़्बेकी पुलाव और कुछ ना कुछ ग्रेवी के आइटम। जो जब तक हमारा ऑर्डर रेडी होता है, हम बाहर बिकने वाला एक अफगानी बर्गर ट्राई कर लेते हैं। अच्छा जी, उसी लाइन में थोड़ा आप आगे आएंगे तो यहाँ पे मैंने जैसे आपको बताया था कि यहाँ पर छोटे छोटे स्टॉल्स भी हैं, मुख्तलिफ किस्म के अफगानी स्ट्रीट फूड भी मिलते हैं। मैं एक कार्ट पर खड़ा हूँ, यहाँ पर कुछ खूबसूरत सी चीज़ें बनाई जा रही हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। इनके पास 100 रुपए का एक चिकन बर्गर है, एक छोटा सा स्टॉल है अफगान दरबार से 2 कदम आगे आएंगे तो यहाँ पर ये कुछ थोड़ा सा स्ट्रीट फूड भी मिलता है। मैंने इनसे एक चिकन बर्गर ऑर्डर किया, हमारा चिकन बर्गर बन रहा है भाई। एग मटर, जी बर्गर क्या, एक पूरी रोटी के अंदर ढेर सारा चिकन, फ्रेंच फ्राइज और ये सब कुछ है, 100 रुपए का है, देख के मुंह में पानी जरूर आ रहा है, बैठ लेता हूँ। जान खुश तमरो ज़ुल्फ़ानी चंग चंग।
नाजुक कुछ आ रहा है, फ्लेवर्स हैं लेकिन सब कुछ माइल्ड है, लाइट है, कुछ भी स्पाइसी नहीं है, हल्का 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 कुछ चीज़ों का मज़ा है। क्या है समझ नहीं आ रहा, मायनीज है, सॉस है और अफगानी का हाथ है। मेरे मुताबिक ये एक फ्रेंच फ्राइज रोल था जिसमें थोड़ा सा चिकन भी डाला हुआ था। अफगान दरबार में हमारा ऑर्डर कहाँ तक पहुँचा चल के देखते हैं। मेरा नाम मोहम्मद अदनान गाजी है, मैं मेरे ड्यूटी से हूँ सर। तो सोचो थोड़ा अफगान में होते चले, आते रहते हैं अक्सर, मतलब मोस्टली आते रहते हैं। बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा मतलब एटमोसफेयर है, एनवायरमेंट है बहुत अच्छा, मतलब यहाँ खा के फील आती है। गवर्नमेंट टीचर हूँ। क्या पढ़ाते हैं? मैथमेटिक्स एंड साइंस। हमारा ऑर्डर रेडी है और बस सर्व होने ही वाला है। मैंने सोचा कि किचन में जाना चाहिए, देखें वहां क्या गहमा गहमी। तो ये सब कुछ जो फ़िलहाल रिकमेंडेड ऑर्डर था फ़हीम का, वो हमारे सामने आ चुका है। मैं क्या क्या आइटम एक बार बता दूँ। ये है चौपान कबाब, स्पेशली मटन रिब्स का होता है और इसकी कीमत शायद 680 रुपए है। ये अल्फाहम, अल्फाहम बेसिकली अरबिक वर्ड है, ये तंदूरी चिकन है और इसकी कीमत 230 रुपए है या 230-240, थोड़ा बहुत यहाँ वेरी करेगा। ये फाइनल जो एक आइटम इन्होंने दी है ग्रेवी में, वो है चिकन कोरमा, वो भी 230-240 इसी के आसपास सारे घूम रहे हैं। फहीम मेरे साथ हैं। अच्छा, साथ में ना इनके एक ये बैगन की सब्ज़ी आती है, ये इसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री होती है। जो उज़्बेकी पुलाव है, उज़्बेकी पुलाव के बारे में बताना भूल गया। उज़्बेकी पुलाव है, उज़्बेकी पुलाव के अंदर किशमिश पड़ी हुई होती है, थोड़ी बहुत ये गाजर पड़ी हुई होती है और बड़ा सौंदा सौंदा सा, बड़ी कहना चाहिए कि एक खूबसूरत सा जायका होता है इसका, तो हमेशा मैं ज़रूर लेता हूँ। अच्छा, और एक ये राजमा नहीं, यहाँ क्या बोलते हैं, लोबिया, इसको यहाँ लोबिया बोलते हैं, ये ज़रूर इनकी ग़िज़ा में शामिल रहता है। पहले चौपान कबाब हम देखते हैं। ये चौपान कबाब जो यहाँ की स्पेशलिटी है, सबसे पहले उससे स्टार्ट करते हैं। बहुत ही मोटी सी ऊँट की बोटी है मेरे हिसाब से। अब देखिए, जब तक हल्का सा चुई नहीं होगा इनके हिसाब से ये कंप्लीट नहीं होता, तो ये थोड़ा बहुत चुई रखते हैं, इसको खाकर देखते हैं। मेरे ख्याल में इसमें थोड़े बहुत ही मसाले हैं, बाकी जो भी कुछ टेस्ट होगा वो कोयलों का होगा, स्मोक का होगा और ऑब्वियसली गोश्त का होगा, देखते हैं। इसमें होता क्या है कि गोश्त के जूसेस ही का मज़ा सारा शामिल हुआ होता है, मसाले कम होते हैं। अफगानी खाना हो या कश्मीरी खाना हो, बहुत माइल्ड स्पाइसेस होते हैं और कोशिश की जाती है कि गोश्त के मज़े के साथ ही उसको बरकरार रखा जाए। तो जी, ये स्टार्टर अपनी जगह बहुत बेहतरीन है, अगर आप यहाँ आएँ तो ये स्टार्टर ज़रूर ट्राई कीजिए। अगला स्टार्टर हमारा है तंदूरी चिकन, तो मैं इसी में वो भी ले लेता हूँ। ये जो है आई थिंक ये हाफ चिकन तंदूरी हमने ऑर्डर किया था, वो भी आया हुआ है। इसके अंदर भी मसाले मुझे लगता है कि ज़्यादा नहीं है, जो कुछ मज़ा है वो कोयलों का ही होगा, खा कर देखते हैं। बहुत मज़े का, बहुत मज़े का। यहाँ जब आप खाना खाने आए तो एक बात याद रखिएगा, आप अफगानी खाना खाने आए हैं, अफगानी खाने में आपको मुगलई खाने जैसे मसाले नहीं मिलेंगे, यहाँ पर आएंगे आप तो हल्के मसाले मिलेंगे। इन्होंने ख़ास यही किया है कि इन्होंने किसी चीज़ को मिक्स नहीं किया है, अफगानी को अफगानी के ही स्टैंडर्ड पर रखा हुआ है। अच्छा है, ठीक ठाक गला हुआ है,
हार्डली किसी चीज़ का फ्लेवर आ रहा है सिवाय नमकीनियत के और ख़ुद चिकन के। और कोयलों की स्मोक और उसका जो है खुशबू होती है, उसके धुएं की खुशबू, वो इसमें शामिल है। इनकी थोड़ी डिफरेंट काइंड ऑफ मेनीज है। हल्का सा खट्टा मज़ा होता है इसका और बड़ा बहुत डिफरेंट सा मज़ा होता है इसका। एक्चुअली एक हल्की सी खुशबू होती है, हल्की सी खटास होती है, मुझे ये बहुत अच्छी लगती है। अगर आप इस मेयोनीज़ के साथ इसको खाएंगे तो टेस्ट अच्छा खासा एनहेंस हो जाएगा, बहुत मज़ेदार है। तो मुझे इस चोपान कबाब से ज़्यादा अच्छा ये तंदूरी चिकन लगा। ये 10 out of 10 है, मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। इनका तंदूरी बिल्कुल खामोश, बिल्कुल एक नर्म मिजाज समझ लीजिए, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई गुस्सा नहीं, बहुत एक सटल सा इसका टेस्ट होता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ख़ास तौर से इस अफ़गानी मेयोनीज़ के साथ तो ये बहुत ही अच्छा लगता है। तो बजाय इसके कि हम तंदूरी चिकन से ही पेट भर लें, हालांकि वो इतना ही अच्छा है, मैं एक दिन वाला इसका और लूँगा, मज़े का यार, इसका बड़ा अलग सा टेस्ट है। प्रिपरेशन है अपनी अपनी, अच्छा बहुत है। अच्छा जी, तो ये नेक्स्ट हम पहले राइस की आइटम ट्राई करते हैं। उज़्बेकी पुलाव है। उज़्बेकी पुलाव में, अफ़गानी पुलाव में ये किशमिश और ये गाजर नहीं होती, उज़्बेकी पुलाव में ये एक एडिशन होता है। लेकिन ये बड़ा खूब एडिशन है, जब आप इसको ट्राई करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। ये इन्होंने मटन उज़्बेकी पुलाव है, बहुत साफ़ सुथरी सी, बड़ी खूबसूरत सी बोटी है इसकी। सही जायके को आप तक पहुंचाने के लिए मैं एक निवाला और लूंगा, उसके बाद आपको बताऊंगा एग्जैक्टली ये कैसा है। चीज़ें जहन में आती हैं इसका एक निवाला लेने के बाद, ऑब्वियसली सबसे पहले गोश्त की यखनी, मटन की यखनी है, सेला चावल की एक खुशबू है इसके अंदर, और तीसरी जो चीज़ है वो है ये किशमिश की मिठास। ये जो किशमिश है, ख़ास तौर से उस बेगी पुलाव में किशमिश और ये गाजर पड़ी होती है, तो ये दो चीज़ें जो हैं ये इसके टेस्ट को एक ड्राइव दे रही हैं, ये किशमिश और ये गाजर। बहुत खूबसूरत है, बड़ा साफ़ सुथरा सा गोश्त है, गोश्त की बोटी ये बता रही है कि गोश्त ताज़ा है, बासी नहीं है, बोटी बता देती है, सारी पुल खुल जाती है। तो बैंगन इसके साथ में आता है ना, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये उसके ऊपर क्या डालते हैं, दही होता है, दही। ये इतना मतलब पता नहीं बैंगन को इतना खूबसूरत भी बनाया जा सकता है, यानी मुझे बहुत अच्छा लगता है। बैंगन के अलावा इसके अंदर टमाटर है, प्याज है, ऊपर से थोड़ा सा दही इन्होंने टॉपिंग के तौर पे यूज़ किया हुआ है। ये जो रोटी है ये है समझ लीजिए कि एक पक्की निशानी अफगानी खाने की, थोड़ी सी सख्त होती है, वही इसका टेक्स्चर है प्रॉपर। समझाने की कोशिश करूं, थोड़ा बहुत जो मैगी के साथ मसाला आता है उस टाइप का ये लग रहा है, लेकिन प्रॉपरली वो ये नहीं है, उससे अलग है। मैं सिर्फ एक निशानी, एक रेफरेंस के तौर पे आपको बता रहा हूं कि थोड़ा उस जैसा लग रहा है। रोटी का अलग से कोई चार्ज नहीं होता है, ग्रेवी की आइटम के साथ रोटियाँ आपको जितनी चाहिए, ज़रूरत पड़ती रहती है और ये लोग देते रहते हैं। ये वाकई में बहुत अच्छा लगता है। ये है इनका चिकन कोरमा, अफगानी स्टाइल का है, बड़ा खूबसूरत लाल रंग का है, लेकिन ये जो लाली है वो सारी टमाटरों की होगी मेरा अंदाज़ा है, क्योंकि ये लोग बहुत कम मिर्चें खाते हैं और हम बने ही मिर्चों से हैं, हमारी डिशेस पूरी नहीं होती जब तक मसाले दबा के उसमें ना डाले जाएँ। लेकिन ये खाना हेल्थ के लिए अच्छा होता है, ऑब्वियसली जितने कम मसाले आप खाएँगे उतना बेहतर है। अच्छा जी, तो ये चिकन का अफगानी कोरमा, ये देखिए, खाया हमेशा है लेकिन एनालिसिस आज कर रहा हूँ इस खाने का। कोरमा सिर्फ कहने की हद तक ये कोरमा नहीं है, ये अफगानी सालन है बस चिकन का, और लेकिन है अच्छा, डिफरेंट है, पता नहीं चल रहा, कुछ एक फ्लेवर है आखिर में आता है आपको जब आप निवाला खा लेते हैं, एक फ्लेवर महसूस होता है,
वो एग्जैक्टली किन किन चीज़ों का है वो पता नहीं लग पा रहा। खुशबू है इसमें, मसालों ही की खुशबू है, और ऑब्वियसली मसाले सबके अपने अपने होते हैं, तो कौन कितना क्या चीज़ डालता है वो उसी को पता है ना, हम कभी ये जानने की कोशिश करते हैं। चिकन कौरमा अच्छा है, इसको एक बार इस उज़्बेकी पुलाव के साथ भी ट्राई करना चाहिए। ख़ास बात क्या है कि इन खानों में, जैसे मैंने अरबियन फूड का एक वीडियो किया था उसमें भी ये बात बताई थी कि इतने कम स्पाइसेस होते हैं कि खाने का न्यूट्रिशन बरकरार रहता है, न्यूट्रिशियस रहते हैं ये खाने। नुकसान तो खैर दूर तक कोई नहीं है, अंटिल अनलेस आपको अगर चावल ही का परहेज है तो बात अलग है। चिकन कौरमा है वो इस उज़्बेकी पुलाव के साथ बहुत अच्छा लग रहा है, एक नया कॉम्बिनेशन बन रहा है, हम तो कॉम्बिनेशन तलाश करते हैं, यहाँ भी कर लिया। अच्छा जी, रह गया अब ये हमारा, जिसको ये लोबिया कहते हैं हमारे हिसाब से राजमा है, तो जो यहाँ बोला जाता है वही बोलेंगे। इसका भी एक निवारा लेकर देखते हैं, हमारे वाले राजमा से बिल्कुल अलग होगा, वो एक्सपेक्ट मत कीजिएगा। राजमा में इस लोबिया में, इस चिकन कौरमे की ग्रेवी में और इस बैंगन में, इन तीनों चीज़ों में एक कॉमन एलिमेंट आ रहा है, एक खुशबू है जो हमारे खानों में नहीं होती, इसमें है, इन तीनों में है, और यही चीज़ शायद इसको मुमताज़ करती है, लेकिन है। लोबिया के बारे में एक बात बता दूँ, ये सबसे ज़्यादा देर में हज़म होने वाली चीज़ है, बाद ही होता है, ध्यान से खाइएगा। अच्छा, एक चीज़ जो इन्होंने यहाँ पर मुझे रेकमेंड की थी बजाय कोक वगैरह के, ये लोग साथ में ये नमकीन लस्सी पीते हैं, इसके अंदर खीरे होते हैं, पुदीना होता है, दही होता है, थोड़ा सा नमक होता है और थोड़ा पानी होता है, उसके बाद एक ये इस टाइप की लस्सी बन जाती है, इसमें थोड़ा बहुत मसाले भी हैं, अच्छी है। यहाँ पर खाना खाने आएंगे तो ये ज़रूर ऑर्डर कीजिएगा, ये मेरा रिकमेंडेड है, इतना रिफ्रेशिंग है बयान से बाहर है। जब आप इसको पियेंगे तो एक ही घूंट में इतनी ताजगी महसूस होगी। खाने के साथ साथ इसका एक एक घूंट लेते रहें तो बेहतर होगा। 30 रुपये का एक ग्लास देते हैं, तो फिलहाल हम ये खाना फिनिश कर लेते हैं, जब तक ये कैमरा बंद कर रहे हैं, उसके बाद अफगानी कहवा पियेंगे, फिर बात। नॉट अफगानी कहवा, इन्होंने मुझे बताया ये अफगानी चाय है, इसको कहवा नहीं कहते हैं। ये यहाँ पर ज़रूर पी जाती है खाना खाने के बाद, इसके कई फ़ायदे हैं, एक तो ऑब्वियसली गर्म पानी खाना खाने के बाद फ़ायदा करता है, प्लस क्या है कि इसके अंदर कुछ लीव्स पड़ी होती हैं, ये फ्री है, आप यहाँ पर डाइन करेंगे उसके बाद ये चाय आपके लिए फ्री है। साउंड्स गुड, हालांकि 10-20 रुपये की 50 रुपये की हो सकती थी, लेकिन फिर भी ये एक हॉस्पिटैलिटी का पार्ट है और इनके हिसाब से कुजीन का पार्ट है कि आपको ये ज़रूर लेनी चाहिए। तो यहाँ मुझे यानी मोहम्मद याह्या को इजाज़त दीजिए, बहुत बहुत शुक्रिया।